सारा बयान राम राम। मैं सुनील, ते देख रहे हो किसान फोकस चैनल। कल 4.5 बीघा जमीन का लगभग जकी जमीन का ऊपर कब्जो समय जठे और खड़ी फसल न काटे गई ही, बीज जगह पर धरनों दिए गए हो। अब आ जगह है नगर पालिका का करने पड़ा है गुड़ा गोड़ जिम। अभी ते देख सको हो कि काले धरनों शाम का समाप्त कर लियो गयो। धरने के बाद में रात ने जका जमीन जका कने पहले ही नोटेरी का नाम हो वह आदमी के कर रखे है कि रात ने उरे की खेत के चारों मेर एक जेसीपी खाई खुदवा दी ताकि कोई पशु पासु बड़किया की बचड़ी जकी फसल है इको नुकसान नहीं हो उसका। इसके अलावा और के कारण खुदवाई है वह बात पूछा, धरनों समाप्त के कारण करे गयो वह बात पूछा। तो अभी ए भाई साहब ही आऊँ बातचीत कर। हाँ भाई साहब, क्या बात ही है, पूरी बात बताओ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आज जमीन ही जो पीछे है भाई साहब दिखाए ही हमारी पुरखा की जमीन लिए डी 1986 सौ मैं ई पर ही कब्जो काश्त करके ई पर ना जीवन निर्वाह कर रहा है। ई पर ही बार यहाँ आई मारी मज जो बोले रोजगार है वही इसके वही है। मैं प्रशासन से मैं धरनों भी दियो तो ई खातर दियो कि मारो समाज गाँव सारों को मारो साथ दे, क्योंकि मैं सब ने पतो है, समाज ने भी गांव ने भी पतो है कि मैं आज मारी जमीन लीएडी है बाकायदा बासू पुरोहित जी सूँ। और वह पुरोहित जी है ना मान बेच दी और वह खेत आया कि तारी जमीन है थे ही बाओ खाओ मैं ताने दे दी। आज जब सुबह रहा मैं खा रहा इन 37 साल सूँ 86 सू लीएडी है हमारी। प्रशासन आयो, प्रशासन आया तो प्रशासन मान आश्वासन दियो कि मंत्री जी महोदय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा आया बाका सुपुत्र भी शिवम गुड्डा भी आया पहले वह भी बैठे साथ या वे मान आश्वासन दियो तारी जमीन है तार का नहीं रह गया है थे इवर रो तारो जो भी है वो मैं तार साथ हूँ ते कार्रवाई करो मैं भी तार साथ हूँ जो भी मैं दिक्कत आएगी मैं है ना तार पीछे खड़े हो मिलूँगा। समाज हो गाँव हो सर्व कौम के जितना भी आदमी है वह सब बोले ही कि है ना ते साथ रहो मैं तारो साथ देंगा। अब मैं गरीब परिवार है मैं तो अब बाजरे की फसल में आधे से ज़्यादा जैसी भी तो काट कूट के तो लेगा पिकअप में डरा धमका के वे 40-50 आदमी आया 40-50 आदमी मार सूँ मारी माता पिताजी सूँ ताई सूर बासु तावा जी सूर अतराय में हाजी टेम बासु अभद्र व्यवहार करो मारपीट करके बाद हाथ पकड़ पकड़ के एक नाक बाहर निकल के ते जाओ मैं आग जमीन ले लिए कोई कन मान बेच दी वो ते जाओ आग बतारो कोई लेनो देनो को नहीं न बे मैं कोई कागज दिखाया न को मैं बात करवाया न कि मैं और जबरदस्ती बे गुंडागर्दी तरीका सो मतलब बाकन जो दांतली सरिया लठ सब हा बा में से कुछ शराब सेवन भी कर मिले हो आए तो बे आके डरा धमका के पहले पिकअप बाजरो खड़े हो बिको काट के पिकअप में डाल के एक दूसरी साधनों भी में डाल डूल के ले गा वह। अभी काल पाछे थे धरनो दियो हाँ। तो धरनो दोपहरा शाम तक हो शाम तक पाछे शाम तक पाछा हो अठी ने शाम पाछा है कि अठी ने बीसे गाय आई ही तो बे मायने बड़े ही जना आ जैसी भी सुबह में आ खुदवाई ही थोड़ी सी कि आ खुदवा के आया फसल बच जाए ये पर डांडा न चली जी कारण। अच्छा धरनों समाप्त करने को क्या कारण रही हो? धरनों समाप्त करने को माना है ना प्रशासन जो पुलिस है और भी है बे मान सहयोग करो जितरों भी बासु है ना गिरफ्तार करा आगे भी मैं बासु चाहवा कि भाई सहयोग करी जी साफ सु करो है और माने न्याय दिलवावा के लिए मतलब जो भी भाई गुंडागर्दी कर रहे हैं वो माफिया आए ही बासु है ना माने आपके हिसाब तरीका सुबह गिरफ्तार करी आगे नहीं आई मार पर कोई मतलब आया कि जानलेवा हमलों नहीं हुए मार गरीब को मतलब कुछ भी मतलब जान माल की हानि नहीं हुए आ प्रशासन से उम्मीद है माने वे आश्वासन भी दे के गए मंत्री जी महोदय भी हैं वे भी आश्वासन दे के गए हैं कि तारी जमीन है थे ही बारे खा रहे हो तार के नहीं रहेगी थे रो मैं तारा विधायक जी के कह के गया विधायक जी कह के गया है कि तारी जमीन में कठे कोंदा बा दूं है ना ते साथ हो तो मैं तारा साथ हूँ आए तारा साथ मई कोनी और समाज तारा सा कठे बैठे है तो ते जणा ही बैठे है तो ते सही हो जणा ही बैठे हो आए और इन आमो धरनो समाप्त करियो है हां कि है ना ते कोई मतलब कि अठे रो कुछ भी करो खाओ पियो अठे रो आराम से और के ना कब्जा कास्त करो कोई दिक्कत को नहीं आए। अच्छा मुकदमा होगो मुकदमा होगो कार्रवाई चल रही है कार्रवाई चल रही इस जमीन पर जो मैं 86 सौ ले ली बी के बाद में की साफ सुगी को नामांतरण जी का मतलब मैं जिस मारे पिताजी दादाजी और जिस ली ही
बाकी एक के दो का नाम ही तो एक का तो कोई आस औलाद ही को नहीं, एक का ही बैकिमी कराया को नहीं तो नहीं है तो बाकी कोई वसीयत कोई वारिस भी को नहीं हो तो की हिसाब से आके ये ना फर्जीवाड़ो करके भी कोई वसीयत नामो बनाया है गोद नामो बनाया है के कारण सुबह बाकी नाम चढ़ी है कौन सो के तरीको अपना के कौन सा ही में अधिकारी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी जो मिली भगत करके ही में बाकी नामांतरण चढ़ाए है बाकी रजिस्ट्री कराई है इसकी भी है ना निष्पक्ष जांच हो प्रशासन से आई उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच करवावे जिसमें जो भी मुजरिम हुए भी के ना भी ना सजा दिलवावे जतरा भी जो भी है हम आरकन पिछले 40 साल से हुआ जो नोटरी पर मैं रह रहा कब्जे का भी जहाँ ई पर ही बे इस हिसाब से मतलब रजिस्ट्री करवा दी फर्जीवाड़ा तरीका से प्रशासन का कर्मचारी है तो बाकायदा और कट्ठे भी बे बिल्कुल नाजायज तरीका से वो और कट्ठे भी बे रजिस्ट्री करवाई होगी जो कि न रह रहा हो बाकी भी हो अठे गुड्डा में आस पास भी हिसाब से भी बाकी रजिस्ट्री करवाई होगी। एक गरीब परिवार आदमी है ना एक न्याय खातर आप कर्मचारी पर अधिकारी पर प्रशासन पर ही भरोसा कर सके अब वे ही हिसाब से काम करेगा तो आदमी गरीब आदमी कठे जागो कठे न्याय मिलोगो बिन वो की का धनी है की करोगे। एक मजदूर आदमी जो अखबा खा के रोटी खा रहे है वो आदमी अब के करोगे अब थे भी देख रहा हो कि यार रोड पर बट मान बाड़ बूढ़ हटागा वे तो चलेगा मानदंडों की रुखाड़ी राखनी पड़ रही है कि डांडा की रात दिन रात अठे ही रहना पड़ रही है। मेरा नाम मनोज है मेरे पिताजी को नाम रामावतार जी खोवाड़ है और आज जमीन जो पिछले कब्जा है भूमाफिया कब्जों करवाए हैं आ हमारे पिताजी की हमारे ताऊ जी की पुरोहित जी सु 1986 में लिएड़ी जमीन है जब सु मैं ही पर कब्जा कास्त करता रहा दोनों शाखा की मैं ही पर कृषि कर रहा हूँ और इसो ही मैं मतलब जीवन यापन भी कर रहा हूँ। इका नोटरी का कागज ही मारकन जो जब बाकायदा 1986 सु लिएड़ी है ना जी का नोटरी का कागज नोटरी का कागज ही मारकन बिल्कुल। वीडियो ने लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना है सुझाव थारो बहुत महत्व रखा है इसलिए सुझाव थाने जरूर देना है।